सो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ कैंग ओएस। फाइनली ये पोको F1 के लिए भी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक ये पोको F1 के लिए नहीं आया था, बाकी और फोन्स में आ रहा था, पर अब ये पोको F1 के लिए आ चुका है। और आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है थोड़ी, क्योंकि इसमें इतनी सारी कस्टमाइजेशन है जिसमें आप किसी और रोम में इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं दे सकते। इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि एक रोम में इतनी सारी कस्टमाइजेशन थी जिसको कवर करते करते वीडियो लंबी हो चुकी है। पबजी परफॉर्मेंस भी मैंने ऐड किया है, जो कि एंड में मैं दिखाऊंगा, और काफ़ी हद तक वो भी ठीक आया। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले चलते हैं अपनी सेटिंग्स में, और वहाँ पे जाके मैं दिखा देता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन अबाउट फोन। यहाँ पे हमें टॉप पे देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैंग ओएस डिवाइस निपो का F1। स्टोरेज आप देख पा रहे होंगे यूनिक, अलग, डिफरेंट, बहुत ज़्यादातर रोमो से थोड़ा डिफरेंट है इसका लुक। और चलते हैं अब इसके अंदर और थोड़ी इसको छानबीन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक टाइप का यहाँ पे आपको ओवरव्यू देखने को मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन 11 पे बेस्ड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें 5th of Feb 2021 देखने को मिल जाता है। कर्नल वर्जन यहाँ पे 4.9.257 और ऐसे लिनक्स स्टेटस एज यूजुअल इन्फोर्सिंग हमें यहाँ पे मिलता है। सो अब चलते हैं बैक मेन सेटिंग्स में हमारे, और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कुछ और चीज़ बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि यूनिक लगी है मुझे बाकी किसी भी रोम से। यहाँ पे इनको पार्टीशन में डिवाइड कर रखा है, मतलब जो एक तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पे इनको पार्टीशन में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लाइन, तो इसको पार्टीशन में डिवाइड कर रखा है इस चीज़ को। तो ये चीज़ बहुत ही मुझे यूनिक लगी और ये थोड़ी बढ़िया और अट्रैक्टिव लगी। ये आपके इस व्यू को खास बनाती है कि यहाँ पे सबको एक इन्होंने रूम दिया या एक पार्टीशन दिए, तो ये बहुत ही चीज़ अलग है, नहीं है। सो मैं ये आपको बताना चाहता था, मज़ा आया। तो चलते हैं सबसे पहले अपने वापस अपनी होम स्क्रीन पे, और वहाँ पे जाने के बाद मैं दिखाता हूँ सबसे पहले इसके चलते होम सेटिंग्स पे। और होम सेटिंग्स में जाने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शंस, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और जो मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन आप हमेशा से ढूंढना और देखना चाहते हैं हर रोम में, सो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स का। सो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसका यूज़ पैटर्न कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। और यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं सारे ऐप्स आ चुके हैं हिडन और प्रोटेक्शन के साथ। तो मैं आपको एक टेस्टिंग छोटी सी करके फटाफट दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको हाइड जेड आर्काइवर को, और यहाँ पे आप हो चुका हाइड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं चलता हूँ बैक अनहाइड करने के बाद, तो अब हो चुका है अनहाइड, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जेड आइकन पे। सॉरी मैं इसको हटाता हूँ, इस पे चलते हैं दोबारा से, और यहाँ पे मैं दोबारा से लॉक स्क्रीन भी इसका बढ़िया वर्क परफेक्टली फाइन कर रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो, बिना किसी इशू के। सो ये आपको एक बढ़िया चीज मिलती है इस रोम के अंदर, इन बिल्ट ऐप लॉक हिडन ऐप्स। चलो वापस चलते हैं बैक। सो आप चलते हैं थोड़ा नीचे, और नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है डबल टैप जेस्चर का ऑप्शन, जो कि यहाँ पे आप खाली स्क्रीन पे डबल टैप करेंगे स्क्रीन हो जाएगी ऑफ, जो कि बहुत बढ़िया काम कर रही है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया कि डबल टैप टू वेकअप भी काम कर रहा है, जैसा कि मैंने अभी उंगली मार के इसको वेक किया है। चल सो इसी के साथ चलते हैं बैक स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स की, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत ही यूनिक वॉलपेपर हमें यहाँ पे इनबिल्ट ये मिलता है कैंग ओएस का, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आपको कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताना इस वॉलपेपर के बारे में। मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा भाई, सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। चलते हैं इसी के साथ बैक स्टाइल्स, और स्टाइल्स में हमें यहाँ पे डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है एक। यहाँ पे आप चाहे तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पे टिक करके जैसा भी आपको सिलेक्ट करना अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इसकी। मैं करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये आप खुद कर सकते हैं। और ग्रिड ऑप्शन में आपको हमें देखने को मिल जाता है 2x2, 3x3, 4x5, 5x5, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मैं एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ, ये ऐसे ऐसे चेंज होगा। जो वापस बैक चलते हैं, क्लॉक के ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। क्लॉक के ऑप्शन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारी मोशन कस्टमाइजेशन आपको इस रूम में देखने को मिलती। सो क्लॉक के हमें बतेरे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखिए यूनिक तरीका है, ये क्या है मुझे को समझ नहीं आया, जो भी है समझ के बता देना भाई कैसे यूज किया इन्होंने क्लॉक में। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट ये देख सकते हैं क्लॉक का ऑप्शन, और यहाँ पे ये टेक्स्ट में भी आ जाएगा 420। सो बहुत ही यूनिक है, और हर सारे कस्टमाइजेशन क्लॉक की बहुत ही यूनिक है। सो अब चल लेते हैं इसकी बात करने मैजिक सेफ्टी नेट के ऊपर। तो मैं चलता हूँ मैजिक में, और यहाँ पे चेक सेफ्टी नेट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा सक्सेस, और ये सक्सेस मेरा मैजिक हाइड इनेबल करने के बाद ही हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैजिक हाइड मेरा इनेबल है। आप भी करेंगे आपका भी इनेबल हो जाएगा। वापस चलते हैं अपने होम स्क्रीन पे, और अब दोबारा चलते हैं अपनी सेटिंग्स के पास। और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे अब मैं दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट के ऑप्शन को जाके एक बार जो वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन है वो आपको दिखा देता हूँ, कि मैंने उसको टेस्टिंग करी थी पहले ही, तो ये परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। आपका वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन यहाँ पे परफेक्टली वर्क हो रहा है। सो वापस चलते हैं बैक जाने के बाद यहाँ पे अब चलते हैं अपने कैंगीज लैब में, मतलब कैंग के इस कस्टमाइजेशन के ऑप्शन में। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे ऑप्शंस, जैसा कि आप देख पा रहे स्टेटस बार क्विक सेटिंग और ये वो होता है। मैं चलते हैं अपनी जल्दी फटाफट स्टेटस बार के ऑप्शन में, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। सो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन काउंट का, जो भी नोटिफिकेशन आएगी अगर ज़्यादा स्क्रीन से तो आपके नंबर में आ जाएंगे 4-5 कितनी नोटिफिकेशन आपकी पेंडिंग है। ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है स्टेटस बार पे, मैं दिखा देता हूँ, ये हो गया ब्राइटनेस हाई, ये हो जाएगी ब्राइटनेस लो। ये क्या है भाई,
इसमें लगता थोड़ा इशू है हमारी ब्राइटनेस कंट्रोल में। चले सो कोई बात नहीं, चलते हैं वापस। मैं कर देता हूँ इसको डिसेबल। ओल्ड मोबाइल टाइप हमें देखने को मिल जाता है, सिग्नल जो भी आपको करना है रिपोर्ट रिक्वायर्ड। मैं इसको प्रेफर नहीं करता, 4G आइकन ये सब फलाना ढिकाना की बात है, ज़्यादा इसमें घसीटूंगा नहीं आपको। आप यहाँ पे बैटरी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आपको कैसी बैटरी चाहिए, पोर्ट्रेट, हिडन, सॉलिड, जो आप चूज़ कर सकते हैं। इनेबल बैटरी, आपको इनसाइड बैटरी परसेंटेज देखना ही नहीं देखना, मुझे देखना होता है, आपका पता नहीं क्यों नहीं। सो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ फटाफट। नीचे जाने के हमें दिखता है एक क्लॉक सेटिंग्स ऑप्शन। क्लॉक सेटिंग्स में आप यहाँ पे क्लॉक कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी, जो अपना टाइमर दिखाता आपको, यहाँ पे मैंने रेड कर रखा आपको दिखाने के लिए। चाहे तो आप यहाँ पे जाके ग्रीन वगैरह भी कर सकते हैं, मैं ग्रीन करूँगा वो ग्रीन हो जाएगा। सो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर ले। और यहाँ पे आपको फॉन्ट भी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे कलर का देखिए आप, बिल्कुल लाइट हो चुका हमारा। अब मैं इसको दोबारा से बोल्ड कर देता हूँ। सो अब बोल्ड हो चुका है जी, हाँ बोल्ड सीन चल रहे हैं यहाँ पे। तो वापस चलते हैं इसी के साथ बैक। सो बैक जाने के बाद यहाँ पे हमको दिखता है नेटवर्क ट्रैफिक का ऑप्शन। इसको इनेबल करेंगे, आपका नेटवर्क ट्रैफिक इनेबल हो जाए, कितनी स्पीड आ रही नहीं आ रही। तो आगे चलते हैं फटाफट, इसमें पकाऊंगा नहीं। स्टेटस बार आइटम्स, यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, अपने स्टेटस बार में क्या क्या ऑप्शन देखने होते हैं, तो वो आप चाहे तो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मैं एक करके दिखा देता हूँ वाईफाई का, जैसे कि आप वहाँ से ऊपर से वो वाईफाई का ऑप्शन आइकन गायब हो चुका है। इसको इनेबल करूँगा, दोबारा से आ गया, ये देगा जादू। चलते हैं बैक कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन में, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमको देखने को मिलता है न्यू टिंट स्टाइल, और अब मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको ऐसा दिख रही होंगी क्विक स्टाइल सेटिंग्स, और अब मैं करने वाला हूँ गिली गिली छू, और हो चुका। आप देखो, देखा चेंज कर दिया, क्या जादू दिखा रहा हूँ सस्ते वाले। अब तो सर बोल दे। चलो वापस चलते फटाफट इसके साथ आगे। वाइब्रेट ऑन टच का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जब भी आप अपने क्विक स्टाइल सेटिंग्स को वाइब्रेट टच करेंगे वो वाइब्रेट होगा। अगर इस ऑप्शन को आप इनेबल कर देते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मैं डिसेबल करता हूँ। फटाफट आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सो गाइस यहाँ पे हमें बैकग्राउंड ओपेसिटी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्विक स्टाइल सेटिंग्स में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक है। अब मैं इसको पूरा स्लाइड करके यहाँ कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, पीछे का भी बैकग्राउंड दिख रहा है। सो ये चीज़ भी है इस रोम में हमें देखने को मिल जाती। और ये वाला ऑप्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा है, क्विक स्टाइल टाइल डिस्को का ऑप्शन, मतलब ऑसम। अब देखना बिल्कुल ये चेंज हो चुका होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्रीन हो चुका है अपने आप। अब देखेंगे थोड़ा ये चेंज हो जाएगा, तो फिर इसको मैं टैप करने के बाद अब देखो वापस चेंज होगा। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया लगती है मेरे को, और हमें इस रोम में मिलती है, जो कि मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द कस्टमाइजेशन आपको इस रोम में देखने को मिलेगी। उसके साथ आगे चलते क्विक स्टाइल, मतलब आपको फटाफट कहाँ से पुल डाउन करना है तो ये सब आप कर सकते हैं इसमें। मैं बताऊँगा पकाऊँगा नहीं, मतलब फटाफट और कुछ जो मेन चीज़ है वो कवर करूँगा। सो गाइस इस रोम में हमें ये भी ऑप्शन देखने को मिलता है डिसेबल क्विक सेटिंग्स व्हेन लॉक, मतलब आप इसको इनेबल कर देंगे और जब आपका फोन लॉक होगा तो आप क्विक स्टाइल सेटिंग्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये हमारे जब काम आता है, जैसे आपने कहीं पर फोन वोन रख दिया तो आपका किसी ने फोन लेके आपका मोबाइल डेटा इनेबल कर दिया या वाईफाई इनेबल कर दिया या बंद कर दिया, तो वो चीज़ होती है, तो वो चीज़ से आप बच पाएंगे इससे। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, हमें इस रोम में देखने को मिलती है। सो कमाल का गजब है। नीचे हमें देखने को मिल जाता है आपको कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए अपने क्विक टाइल सेटिंग्स के अंदर, तो ये सब आप कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास बताऊंगा नहीं। बटन्स यहाँ पे देखने को मिल जाता हमें, तो पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है वीक डिवाइस, वॉल्यूम को दबाएंगे आपका डिवाइस स्क्रीन ऑन हो जाएगा सिर्फ वॉल्यूम के बटन से। तो ये सब ऑप्शन है आपको पता होंगे ज़्यादातर। यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है जी हाँ दोस्तों लेआउट का ऑप्शन, और ये लेआउट है हमारे नेविगेशन लेआउट के लिए। सो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट करूँगा तो ये देखिए तीन बटन नीचे के वो सिकुड़ जाएंगे। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था, इसमें आपको मोस्ट ऑफ द कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी इस रोम में, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगी इस रोम की, कि आपको सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम पैनल स्टाइल, ये कस्टमाइजेशन भी आपको देखने को मिलती है। मैं पहले दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे वॉल्यूम जैसा कि आप देख पा रहे हो किस तरीके का आ रहा है। अब मैं इसको कर देता हूँ ऑडियो पे, और अब मैं वॉल्यूम प्रेस करता हूँ, जी आप देखिए अब। सो गाइस क्या ही कहूँ, मतलब कस्टमाइजेशन तो भरपूर है ये वाली रोम। सो एंड्रॉयड 11 में इतनी सारी कस्टमाइजेशन मैंने शायद ही किसी रोम में देखी होगी, सो गजब है अभी तक की। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। तो वापस चलते हैं बैक, जो मतलब जिसको अगर कॉर्वस ओएस से प्यार था एंड्रॉइड 10 में, पर वो उसको एंड्रॉइड 11 में आना था, तो उसके लिए ये रोम बढ़िया है कस्टमाइजेशन के लिए। हर एक कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है इसमें आपको। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं नोटिफिकेशन के लिए, बहुत सारे, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं आप कलर वगैरह नोटिफिकेशन की। सो मैंने जैसे कहा था आपको मोस्ट ऑफ द कस्टमाइजेशन इस रोम में देखने को मिलेगी, बार बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। तो वापस चलते हैं बैग इस नेक्स्ट ऑप्शन पे, और यहाँ पे लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डबल टैप टू स्क्रीन ऑन लॉक स्क्रीन, ये परफेक्ट वर्क कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको शायद ये दिखा देता हूँ। ये देखिए डबल टैप टू वेक भी वर्क कर रहा है, डबल टैप टू स्लीप भी वर्क कर रहा है। सो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे हमको लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फॉर्मेशन का मिल जाता है, कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी स्पीड आ रही है वो सब, और शो ऑन लॉक स्क्रीन वेदर वगैरह, ये सब आपको करना है तो कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन मीडिया आर्ट ये भी आप कर सकते हैं। सो भाई सारी कस्टमाइजेशन टूस के भरी हुई इसके अंदर। बहुत बढ़िया मुन्ना।
यहाँ पे आ जाते हैं एनिमेशन में। एनिमेशन में आप देख पाते हैं पावर मेन्यू एनिमेशन का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बॉटम टॉप ग्लो टर्न फ्लाई 3D स्लाइड वगैरह। सो मैं इस पर ज़्यादा लंबी करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन है। फिर मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, फटाफट मिसलेनियस आ गए यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कस्टमाइज राउंडेड कॉर्नर की, किस लिए था मुझे समझ नहीं आया, अगर किसी को पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। सो यहाँ पे और भी बहुत तरीके ऑप्शन मिल जाते हैं आपको जैसा कि आप देख पा रहे हो। गेमिंग मोड भी मिल जाता है हमें यहाँ पे देखने को, जैसा कि आप जो चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस मोड के अंदर आने के बाद। सो ये आपको मोस्टली रोम में दिखते होंगे। स्मार्ट पिक्सल वगैरह, मतलब आपको अपनी बैटरी के हिसाब से क्या वर्क करना है। चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिल जाती है, बैटरी ड्रॉप, एक्सप्लोजन, वाटर। सो ये सब स्क्रीनशॉट जेस्चर भी आपको यहाँ पे कर सकते हैं कि कितनी जल्दी फटाफट स्क्रीन वो स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। तो चलते हैं आप बैग इसी के साथ फटाफट इनके ऊपर भी चल के यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं एक बारी। सो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको एक्सेंट कलर वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अभी सिलेक्टेड है, पहले मैं दिखा देता हूँ, और मैं यहाँ पे अब ये सिलेक्ट करता हूँ। सो ये हो जाएगा चेंज। तो ये इतनी सारी कस्टमाइजेशन आप करते करते थक जाओगे, पर ये रोम खत्म नहीं होगी। यहाँ पे आपको नेविगेशन बार का ऑप्शन मिल जाता है, कैसा आपको नीचे का नेविगेशन बार चाहिए। सो यहाँ पे देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, और नीचे आप देखिए नेविगेशन बार भी चेंज हो रही है, मतलब आप समझ ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन इसमें भरी हुई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सैमसंग ये देखिए अब चेंज हो जाएगी। सो कमाल की कस्टमाइजेशन है यार, सारी कस्टमाइजेशन इन्होंने ढूंढ ढूंढ के निकाल के इस रोम में कूट कूट के भरी है कि ये भी डाल दो वो भी डाल दो। सो मैंने जैसा कहा कि आप थक जाओ कस्टमाइज करते करते, पर इसकी कस्टमाइजेशन खत्म नहीं होगी, इतनी सारी कस्टमाइजेशन दी गई है। और मैं बताते बताते भी थक चुका हूँ। सिस्टम थीम यहाँ पर पिच ब्लैक वगैरह आपको मिल जाती है, वो चेंज कर सकते हैं, आपको पता ही होगा। क्लॉथ स्टाइल आपको कैसा चाहिए जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था। बैकअप थीम आपको चाहिए नहीं चाहिए वो आपके ऊपर है, तो मैं कैंसिल करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। हमें फटाफट अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। राउंडेड कॉर्नर वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, चलते हैं फटाफट आगे डिस्प्ले की तरफ। अगर यहाँ पे आपको डिस्प्ले कटआउट का ऑप्शन चाहिए तो वहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी डेवलपर ऑप्शन में, उसके लिए आपको पता ही है। फिर भी मैं बता देता हूँ, अबाउट फोन में जाने के बाद बिल्ड नंबर पे 4 से 5 बड़े टैप करना है, सबसे नीचे आना, फिर जाना हमें सिस्टम में, और फिर यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद नेविगेट करना है आपको ढूंढने के लिए। जी हाँ, ये रहा डिस्प्ले कटआउट का ऑप्शन देखने को मिल गया, पंच होल कटआउट, वाटरफॉल कटआउट, तो ये सब ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ओवरराइड डार्क फोर्स भी आपको देखने को मिलता है, इसको इनेबल करने के बाद सारी एप्लीकेशन फेसबुक पेटीएम अमेजोन और बाकी जितनी भी रोम और बाकी जितनी भी एप्लीकेशन होगी सारी डार्क मोड में आएगी। सो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आर यू कॉमेडी मी? वापस चलते हैं बैक। एप्स एंड नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगी नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन हिस्ट्री, जैसा कि आपको पता होगा जो भी नोटिफिकेशन चाहिए उसको इनेबल करने के बाद 24 घंटे तक आपकी सारी नोटिफिकेशन आप यहाँ पे आके देख सकते हो जितनी भी आपके फ़ोन में होगी। बबल्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बबल चैट, फटाफट इसको निपटाता हूँ यहाँ पे। वापस चलते हैं बैक, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बाकी ऑप्शंस। फिर अब चलते हैं बैक, बैक जाने के बाद चलते हैं आप अपने बैटरी ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती थर्मल प्रोफाइल्स। जी हाँ दोस्तों, हर एक ऐप के लिए थर्मल प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, आप चाहे तो इसको जैसे मर्जी चेंज कर सकते हैं अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन के। तो यहाँ पे ऑप्शन है बेंचमार्क, ब्राउजर, कैमरा डायलर, गेमिंग और स्ट्रीमिंग, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। वापस चलता हूँ फटाफट बैक, और यहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसको इनेबल करने के बाद आप जो भी परसेंटेज सेट करोगे वहाँ तक चार्जिंग पहुँचने के बाद ये एक अलार्म देगा आपको फ़ोन को कि हाँ भाई इतनी परसेंट चार्जिंग हो चुकी है। अब चलते हैं बैक इसी के साथ। सो गाइस, अब चलते हैं इसकी फटाफट सिक्योरिटी ऑप्शन में, और सिक्योरिटी ऑप्शन में आपको यहाँ पे पैटर्न, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें फेस अनलॉक भी है, सो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और साथ के साथ आपको यहाँ पे ऐप पिनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसको इनेबल करने के बाद आप इसको चाहे तो ऐप को पिन भी कर सकते हैं यहाँ पे टच करने के बाद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऐप पिन का भी ऑप्शन आ रहा है, स्प्लिट स्क्रीन का भी आ रहा है, वो आप चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को इसमें लगी है मैं दिखाता हूँ एक बार। इस पर यहाँ पे टैप करने के बाद ये आप ये शेयर का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो ये ऑप्शन अगर आप जैसे ही इसको टच करेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट मतलब अपने फ़ोन के स्टोरेज में सेव भी नहीं करना पड़ेगा, और इस चीज़ का स्क्रीनशॉट आप किसी को भी शेयर कर सकते हो बिना स्टोर किए। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया लगी और बहुत ही ऑसम लगी इस चीज़ में, तो कमाल है। मैंने और किसी रोम में अभी तक ये देखी नहीं है, तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है कि बिना स्टोर किए आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो डायरेक्ट। सो ये बहुत ही ऑसम था फीचर। सो अब चलते हैं फटाफट, और अब बात कर लेते हैं अपने बेंचमार्क स्कोर की इस रोम की। तो 3D मार्क का स्कोर मैं दिखाता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, जो मैंने इस रोम में लिया है, तो हमें देखने को मिला है 4893 जैसे कि आप, और जो हमारा ये टेम्परेचर गया था वो 36 डिग्री सेल्सियस गया था जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो परफॉर्मेंस वाइज भी ये ठीक ठाक है, कंपैटिबिलिटी दे रहा है। और अब बात कर लेते हैं इसके बेंचमार्क की, बेंचमार्क स्कोर की, तो यहाँ पे हमें स्कोर देखने को मिला सिंगल कोर में 417 का स्कोर, और मल्टी कोर में 1964 का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी पबजी परफॉर्मेंस की। पबजी परफॉर्मेंस भी मेरे को इसका सही लगा, मैं ये नहीं कहूँगा बेकार था, इतना भी ज़्यादा नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा बढ़िया था, पर एक नॉर्मल यूज़र के लिए, नॉर्मल यूजर प्लेइंग के लिए बढ़िया है, मतलब आप क्लासिक वाला खेल सकते हो इजीली। और मैंने वो रिकॉर्ड किया FPS मीटर के साथ टॉप लेफ्ट कॉर्नर, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है गेम प्ले के दौरान। अब बढ़ते हैं अपने गेम प्ले की तरफ।
promise that I'm breaking down. Everybody knows I'm faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, not to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand myself. I don't wanna be left on the shelf. It's so cold. जैसा कि गाइस आपने PUBG परफॉर्मेंस देख ही लिया होगा, तो मुझे काफ़ी हद तक कहीं कहीं फ्लक्चुएशन हुआ, पर ओवरऑल स्मूथ था गेम, मतलब एक स्टॉक कर्नल बेस पे तो स्मूथ ही लगा मुझे। और बाकी अगर इसकी कस्टमाइजेशन की बात करें तो भाई जिसको भी कस्टमाइजेशन के लिए प्यार है तो उसके लिए KangOS, KangOS उसके लिए तो यार है। तो गाइस आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।